आदाब नाजरीन, मैं हूं अफशा जबीन। न्यूज अपडेट में आपका खैर मकदम है। मध्य प्रदेश की शिवराज हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन को दिया तोहफा, डीए में इजाफा का ऐलान, कांग्रेस ने उठाए सवाल। केरला में मॉन्की पॉक्स से एक नौजवान की मौत के बाद मुल्क में तश्वीशनाक सूरत हाल पैदा हो गई है। मरकजी और रियासती हुकूमत दोनों अपनी सतह से मॉन्की पॉक्स वायरस से मुतालिक तमाम मालूमात हासिल कर रही है। लोकसभा में तौतल खत्म, कांग्रेस के चार अराकीन पार्लियामेंट के मौतली वापस। टीआरएस रुकन असेंबली जीवन रेड्डी पर कातिलाना हमले की साजिश बेनकाब, रिवॉल्वर के साथ एक शख्स हैदराबाद में गिरफ्तार। शहर हैदराबाद में अजीब व गरीब मौसम देखा जा रहा है। आज सुबह से शहर के कई इलाके बशमूल पुराने शहर में बाज मुकामात पर बारिश हो रही है और बाज मुकामात पर धूप देखी जा रही है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले की गोविंद सागर झील में डूबने से 5 अफराद की मौत हो गई है, जबकि 2 लापता लोगों की तलाश जारी है। महाराष्ट्र में कोरोना के 830 नए मामले, एक मरीज की मौत। एएमयू में सैयद इब्राहिम और मौलाना मौदूदी की किताबों को निसाब से हटाने का फैसला बोर्ड ऑफ स्टडीज में लिया जाएगा। टीआरएस के रुकन पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव के बेटे को नामालूम अफराद ने चाकू दिखाकर लूट लिया। तेलंगाना में इंटरमीडिएट सप्लीमेंट्री इम्तहान जारी हैं। एक तलबा इम्तहान लिखने के लिए इम्तहानी मरकज को 10 मिनट ताखिर से पहुंची, जिस पर इम्तहानी अमले ने इसे घर भेज दिया, जिस पर तालिबा ने खुदकुशी की कोशिश की। पाकिस्तान के जुनूबी मगरिब सूबे बलूचिस्तान में फौजी हेलीकॉप्टर लापता, कोशा से कराची जाने वाली हेलीकॉप्टर का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राबता मुनक्कत। जम्मू में बैन अल-अक़वामी सरहद पर मुश्तबा ड्रोन दिखाई दिया, बीएसएफ एहलकारों ने फायरिंग करके ड्रोन को भगाया वापस। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मालदीव के सदर साले से की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के तरीकों पर किया तबादला ख्याल। केरला के साबिक वजीर आला ओमन चांडी ने सबसे तवील मुद्दत तक रुकन असेंबली रहने का रिकॉर्ड कायम किया। मुल्क में कोरोना से सेहतियाब होने वालों की तादाद 4.33 करोड़ से ज्यादा। गुजरात असेंबली इलेक्शन, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी। पीटीआई पर बैरून मुल्क से ममनुआ फंडिंग का इल्जाम साबित, इलेक्शन कमीशन ने शोकाज नोटिस जारी कर दिया। योगी हुकूमत ने तकरीबन 900 सरकारी वकीलों को बरतरफ किया। भारत में मॉन्की पॉक्स वायरस से पहली मौत की तस्दीक। आईटीबीपी ने अरुणाचल के दूर दराज सरहदी इलाके में तिरंगा यात्रा का एहतमाम किया। शिवसेना की रुकन पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी ने पार्टी लीडर संजय रावत की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए इसे सियासी साजिश और बड़े लीडरों को खामोश करने की हुकूमत की कोशिश करार दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल तस्वीर को तब्दील करके हिंदुस्तानी परचम तिरंगा लगा दिया है। इसके साथ ही उन्होंने अहले वतन से भी ऐसा ही करने की तलकीन की है। जम्मू में महकमा जल शक्ति के अराजी मुलाजमीन का एहतजाज। दिल्ली हाईकोर्ट ने मरकजी वजीर स्मृति ईरानी के 2 करोड़ के हतक इज्जत केस में कांग्रेस लीडरों के खिलाफ हुक्म जारी किया है। न्यूज अपडेट में अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज़।